चलिए रियल क्विक मैं आप लोगों को अपडेट भी कर देती हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं यहाँ पे डेलस में, और अभी ये डिसाइड हुआ है कि हमारे जितने भी फ्रेंड्स और जो हमारा ग्रुप है वो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच गया है। मैं और मेरी एक और फ्रेंड पीछे आ रहे हैं, मतलब हम लोगों का एक और फ्रेंड कपल जो है वो पीछे आ रहे हैं गाड़ी में, और हम लोग सब सीधा डायरेक्टली अब रेस्टोरेंट पर मिलने वाले हैं। तो रेस्टोरेंट का नाम है नमक इंडियन कुजीन, और वो डाउन टाउन में ही है। और जो एरिया है हम लोगों को जहाँ जाना है कल, उससे कितनी दूर है, 5-10 मिनट की दूरी पे है। तो सब कुछ हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ही अपना वो आइटिनरी पूरा तैयार करा है, कौन कहाँ रहेगा कैसे। उन लोगों का चेक इन हो चुका है, तो वो लोग चेक इन करके अब रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे हैं, और हम लोग डायरेक्टली रेस्टोरेंट पे ही मिलेंगे। फिर वहाँ से हम लोगों को जो भी लेना है अपना डिनर वगैरह करके फिर वापस से घर जाएंगे, मतलब रूम में जाएंगे। तो हमारा चेक इन बाद में होगा। चलिए यहाँ का डाउन टाउन आ गया, डाउन टाउन भी देख लेते हैं। It's so beautiful. That was so pretty. Yeah, that was like this. I want to move into Dallas. When was the last time you went to Dallas? Yeah. Acha hai yahan ka downtown? Skibbity. Austin ka to bahut hi sundar hai. Skibbity, skibbity. So many long buildings. Look at that. It's so much of tallest buildings. Look. Oh wow. इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है ना, इतनी सही लग रही है यार। यहाँ भी, यहाँ भी। वाह। बस अभी निकलेंगे हम लोग बाहर देखने के लिए, घूमने के लिए। बच्चों के डैडी, बच्चे ये रे, तीनों बैठे हुए बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे हैं, और मैं ये रही। यहाँ पे पुलिस भी है। ओ वाह, रेस्टोरेंट में तो बड़े होटल में। सामने मस्त वाली स्क्रीन चल रही है। हम लोग अभी रेस्टोरेंट में जाए, उससे पहले हम लोग जिस गली में मुड़े हैं ना वो हमारे होटल के लिए, तो वहाँ पे गली में ना ये वाली स्क्रीन चल रही है सामने, ये बड़े फुल साइज एकदम मस्त लग रही है एकदम इस गली में। अच्छा मैं बताऊँ, हम लोगों का पहले ये हो रहा था कि हम डायरेक्टली रेस्टोरेंट में जाएंगे, लेकिन अब अभी प्लान चेंज हो गया बिकॉज ऑफ पार्किंग इश्यूज, क्योंकि हम जहाँ पे हमारा होटल है जहाँ पे हमको रुकना है वहाँ पे भी पार्किंग का प्रॉब्लम है, और जिस रेस्टोरेंट में जाना था वहाँ पे भी पार्किंग का प्रॉब्लम है। तो अभी ये डिसाइड हुआ है कि पार्किंग, ये होटल और रेस्टोरेंट में ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, कुछ 5-6 मिनट का ही वॉकिंग है। तो ये डिसाइड हुआ है कि होटल में पहले सामान, ये होटल में गाड़ी खड़ी करके पैदल चलते जाते हैं वहाँ पे, तो गाड़ी का प्रॉब्लम हो जाएगा। देखो आ गई, इतनी बड़ी सी स्क्रीन चल रही है सामने। ओ वाह, रियल क्विक में मैं आप लोगों को रूम टूर भी दे देती हूँ कि हम लोग किस तरह के रूम में रुके हुए हैं। तो ये रूम ऐसा दिखाई देता है, ये इसका डोर है, डोर से अंदर आते ही यहाँ पे सीनरी लगी हुई है। फिर यहाँ पे एक बाथरूम है, बाथरूम काफी अच्छा है, स्पेशियस है। गिरा हाय, और यहाँ पे लेट बाथ है, ये इसका टब एरिया है, काफी अच्छा है, स्पेशियस है। और फिर इन लोगों ने टॉयलेटरीज दे रखी है यहाँ पे, यहाँ पे साथ में एक वो भी है, एक लंबा सा क्लोजेट भी है, साथ में यहाँ पे फ्रिज दे रखा है, कॉफी मशीन है, और फिर यहाँ पे एक बड़ा सा रूम है, रूम के अंदर ये दो बेड लगे हुए हैं, और साथ में ये बड़ा सा मिरर है, और यहाँ पे टीवी दे रखा है, साथ में एक सोफा है, और ये दूसरा रूम है उसका एक्सेस है। बाकी यहाँ पे खिड़की है, खिड़की में इसे अब क्या दिखाई देता है वो तो कल सुबह ही पता पड़ेगा।
अभी तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और हम लोगों का जो रूम है बेसिकली वो है 7th फ्लोर पे, तो ये हम लोगों का रूम है, ये ऐसा दिखाई देता है। एक बार दूर से और दिखा देती हूँ, यहाँ पे साथ में टेबल भी रखी हुई है। ये रे। जी मैं आप लोगों को बता दूं कि ये तो हम लोगों का अभी आज का, कल का, दिन भर का और अगले दिन यानी कि संडे तक का हाफ डे का हम लोगों का रूम है। अभी हम लोग यहीं पे हैं और ये हम लोगों की ट्रिप जो अभी स्टार्ट हुई है। तो वेलकम टू डैलस। डैलस में रहने का एक अलग ही मजा है और इस जगह को भी एक्सप्लोर किया जाएगा अलग तरीके से। पहले भी हम लोग आ चुके हैं, पहले किसी और रीजन से आए थे, हम लोगों की नेक्स्ट ट्रिप है। तो अभी हम लोग यहीं पे, बच्चे काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं, क्रेजी। तो बस अभी हम लोग रियल क्विक में अपने हाथों धो के बस निकल रहे हैं रेस्टोरेंट से। चलो लेट्स गो, डैडी का कॉल आ जाए फिर चलते हैं। हे गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं डैलस के डाउनटाउन में। बच्चों के डैडी अभी आ रहे हैं पीछे से अपने फ्रेंड के साथ और मैं यहाँ पे चल रही हूँ अपने फ्रेंड के साथ और बच्चों के साथ। हम लोग जा रहे हैं अभी रेस्टोरेंट की तरफ, इंडियन रेस्टोरेंट, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपडेट ही करा था, नमक रेस्टोरेंट। सो लेट्स गो चेक इट आउट। ये लोग आ जाएंगे। कैसा दिखाई दे रहा है, कैमरे में दिखाई दे रहा है क्या? लंबी लंबी बिल्डिंग है। हे गाइस, हम लोगों का सब फ्रेंड्स लोगों के साथ कैचअप हो गया और अभी हम लोग आ गए हैं रूम में। और हुआ ये था कि सामने ही ना एक पार्क सा बना हुआ है, तो अच्छा लग रहा था वहाँ पे। वो जो बड़ी सी स्क्रीन है ना, वो वाला पार्क यहीं सामने ही बना हुआ है, उसके जस्ट सामने ही ये होटल है।
तो अभी हम लोग कमरे में आ गए, सब अपने अपने कमरे में चले गए, सब सो गए हैं। और कल सुबह का टारगेट ये कर रखा है कि कल सुबह 9 बजे लॉबी में मिलेंगे तैयार होके, क्योंकि कैंपिंग ग्राउंड पे जाना है, यानी कि फेयर ग्राउंड पे। इसीलिए तो चलिए गाइज, मिलती हूँ आप लोगों से कल सुबह, यानी कि कल के ब्लॉग में। ऑलराइट, नींद आ रही है बहुत तेज़।